हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इस कंपनी की शेयर प्राइस 9.24 रुपये है और आज के दिन ऑलमोस्ट 20% का अपर सर्किट देखने को मिला। पिछले 5 दिन में 21% की रिटर्न, 6 महीनों में 3.5% की रिटर्न, 1 साल के अंदर 38% की रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो मात्र 1% नेगेटिव रिटर्न दिए, यानी ऑलमोस्ट 60 रुपये का स्टॉक आज हमें 9.24 रुपये पर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस एंड फंडामेंटल्स की बात करें तो ये जो कंपनी है यहाँ पर सेलिंग कॉटन, कॉटन यार्न्स, अलाइंट प्रोडक्ट्स में वर्क कर रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 50 करोड़ का है, फेस वैल्यू 1 रुपये की है, ROC काफ़ी कम है 1.63, ROE काफ़ी नेगेटिव है 8%। डेब्ट की बात करें तो 25 करोड़ का डेब्ट है और यहाँ पे बात करें कंपनी के क्वार्टर क्वार्टर बेसिस रिजल्ट की, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये जो कंपनी है, कंपनी का क्वार्टर क्वार्टर बेसिस जो रिजल्ट है वो काफ़ी टाइम से लॉस में देखने को मिल रहा है, यानी अभी भी कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, यानी ऑलमोस्ट 12 करोड़ का। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी काफ़ी बड़ा लॉस, काफ़ी टाइम से लॉस चल रहा है कंपनी को और अभी भी यहां पर 21 करोड़ का लॉस है, उससे पहले भी यहां ऑलमोस्ट 20 करोड़ का लॉस और ये लॉस काफ़ी टाइम से है। इसी के साथ साथ यहां बात करें कंपनी के रिजर्व्स की, तो कंपनी के रिजर्व्स यहाँ पर काफ़ी कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, 104 करोड़ से ऑलमोस्ट 66 करोड़ का भी रिजर्व्स है और बोरिंग्स की बात करें तो कंपनी के पास 25 करोड़ के यहाँ पर बोरोइंग्स है। और यहाँ पे बात करें कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास 42% के स्टेक्स है, बाकी पब्लिक के पास यहाँ पे 57% के स्टेक्स देखने को मिल रहे हैं। तो क्या इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? जी दोस्तों, अगर हम पैरामीटर्स की बात करें तो कंपनी का क्वार्टर क्वार्टर बेसिस प्लस ईयर ऑन ईयर बेसिस जो रिजल्ट है वो काफ़ी गिरते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कंपनी को काफ़ी लॉस हुआ है। दूसरी बात बात करें तो कंपनी के रिजर्व्स यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं और कंपनी का बोरिंग्स काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे वॉलीटिलिटीज़ की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो काफ़ी टाइम से ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी में था, अभी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटीज़ में देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कंपनी के शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की ये हो सकता है। थैंक यू दोस्तों।